हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस इज क्विनिट बॉय। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ट्यूटोरियल के बारे में, एपिक पेन ट्यूटोरियल। ये पेन क्यों मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आप व्हाइट बोर्ड यूज करते हो तो वहां पे पेन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई वीडियो को चला रहे हो, उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, या फिर आप पीपीटी यूज करो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होता है, अगर आप प्रेजेंटेशन बनाए हो या फिर पीडीएफ को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उस पे पेन कैसे चले। ऑनलाइन में आप टैब से लिखते हो, ठीक है, उस पे आप स्केचिंग करते हो, उस पे राइटिंग करते हो, तो उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर आप कैसे लिख सकते हो, इसके लिए एक टूल है दोस्तों। और इस टूल के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और कंप्लीट जानेंगे हर सेटिंग्स के बारे में, कैसे यूज करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, तो मैं सब कुछ यहाँ पे आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ऐसे ही अमेजिंग ट्यूटोरियल्स वगैरह पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इंटरनेट ब्राउजर से डाउनलोड करना होगा एपिक पेन का सेटअप को, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसा आइकन आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको इंस्टॉल करना होगा इसको, तो आपको बस यहाँ पे क्लिक करना होगा एक बार। फिर आपको यहाँ पे लैंग्वेज चूज करने का होता है, तो आप इंग्लिश छोड़ दीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेटिंग यस भी कर सकते हो और नेक्स्ट पे आपको बस क्लिक करना है, ठीक है। एग्रीमेंट पे आप साइन कर लीजिए, आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे डिफरेंट ब्राउजर पे भी, जैसे कि आपका डिस्क होता है, तो आप डिफरेंट डिस्क पे भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे लोकल डिस्क सी होता है बाय डिफॉल्ट, आप उसको रहने दीजिए, ठीक है। तो फिर या फिर आप चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करना और इंस्टॉल कर देना है। नाइस, तो अब ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लॉन्च करना है, तो आप लॉन्च कर सकते हो या फिर फिनिश पे आपको बस क्लिक करना है, ठीक है। तो ये आपका लॉन्च हो जाएगा। अब तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। ये लॉन्च होने के बाद कुछ ऐसा आपको यहाँ पे आइकन देखने को मिलता है, तो हम स्लोली आपको बताते हैं। इंस्टॉल तो आपने कर लिया, पहला स्टेप हमने पार कर लिया। सेकंड स्टेप जो है हमारा, किसको क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे सबसे पहले आपको बताता हूं मैं, ठीक है। पहले नोटपैड यूज करता हूं मैं और उसके बाद आपको क्लियरली यहाँ पे आपको दिख पाएगा, ठीक है। आपको क्लियर दिख पा रहा है, राइट। यहाँ पे आपको ये आइकन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आई जो बटन देखने को मिलता है, ये इंक विजिबल और यहाँ पे नहीं विजिबल, कुछ भी लिखे, ठीक है। अगर आपको ये इंक चाहिए, देन यहाँ पे आपको क्या है, दो चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। आपको इसको हटा देना है तो हटा दीजिए, या फिर आपको ये रखने देना है तो रहने दीजिए, ठीक है। और आपको सेकंड जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप लिख रहे हैं, आप लिखिए, आप अपना नॉर्मल काम कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें आपको ये अड़चन नहीं डालेगा, ठीक है। अगर आपको इसको क्लोज भी करना है, तो वो क्लोज करना भी मैं सिखाऊंगा आपको। यहाँ पे जो है ये मेनू कलर, ये आप कलर चूज कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो पहला आता है कर्सर आता है। जब आप कर्सर पे क्लिक करोगे तो ये इंक की तरह काम नहीं करेगा, ये नॉर्मल आपका काम करेगा, जैसे आप माउस को यूज करते हो, तो ये आपका माउस की तरह यूज करेगा, ठीक है। जैसे आप उसके नीचे वाला ऑप्शन में आते हो, जैसे कि आप इस पे क्लिक करते हो, ये अब आपका पेन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये जो मैं लिख रहा हूं अभी माउस से लिख पा रहा हूं, ठीक है, ये माउस से लिख रहा हूं मैं, तो इसलिए थोड़ा सा रफ आ रहा है। तो ये इसके बाद नीचे क्या होता है, ये आपका इरेजर होता है। कुछ कुछ चीजें जो होती है प्रो वर्जन में आता है, तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये प्रो में मांगेगा, आपको पैसे मांगेगा, ठीक है। तो आपको फ्री वाला यूज करना है, फ्री वाले में आपको बहुत सारे एक्सेस मिल जाते हैं, तो आप इजिली यूज कर पाओगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे पेन पे क्लिक करना होगा ना, उसके बाद आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो, उसके बाद ये आपका राइट हो रहा है, समझ पा रहे हैं, ये हो गया। और अगर आपको कर्सर छोटा करना है, तो आप यहाँ पे कर्सर वगैरह भी छोटा कर सकते हो, ठीक है। जो पेन का साइज है, उन टिप है, कितना स्मॉल हो गया है, समझ में आ रहा है, ये चीजें हो गई। सेकेंड, ये अंडू रीडू कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आपका टास्क लग रहा है गड़बड़ हो गया है, तो आप उसको अंडू रीडू कर सकते हो। यहाँ पे आप डिलीट बटन में क्लिक करोगे तो पूरा जो आपने लिखा है वो डिलीट भी हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये सबसे अच्छा है कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे अब आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो, उसके बाद आप सेव कर सकते हो फाइल वगैरह में, ठीक है। ये होगी इस मेन्यू ऑप्शन में, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कुछ छह सेटिंग्स। यहाँ पे सबसे पहले प्रो वर्जन का एक आता है, जिसमें कि आप बैकग्राउंड ब्लैक भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक्टिवेट नहीं करवाना है आपको, आपका काम हो गया ये, ठीक है। किसी वीडियो के ऊपर आपने काम कर लिया, किसी पीपीटी के ऊपर काम कर लिया, तो आप यहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक कर देना, ये क्लोज हो जाएगा। जैसे आप ईपिक आइकन में क्लोज करोगे तो वो क्लोज हो जाएगा, जैसे आप फिर से उसको ओपन करोगे तो वो नॉर्मल उसी इंटरफेस में आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका ओपन हो गया। यहाँ पे जब मैं कर्सर पे जाता हूँ, तो कर्सर में आपको ये कर्सर का आइकन देखने को मिलता है, ये आप देख पा रहे हो। जैसे कि मैं कुछ भी लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है,
तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ कर्सर आ गया, ये कर्सर आपका यूज हो रहा है। नीचे पेन पे आ गया तो पेन की तरह अब ये यूज हो रहा है, ये कर्सर अब नहीं रहा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, ये तो नोटपैड हो गया। चलिए, आपको लगा कि नोटपैड पे तो काम कर ही सकता है, लेकिन मैं अब वीडियो स्क्रीन पे भी आपको दिखाता हूँ कि कोई वीडियो चला रहा हूँ और उसके ऊपर भी ये काम कर रहा है। दोस्तों, मैंने एक सिंपल सा नॉर्मल सा वीडियो उठाया है, ठीक है, वीडियो को यहाँ पे मैं प्ले कर दिया हूँ। तो इपिक पेन का यहाँ पे यूज देखिए दोस्तों। सबसे पहले क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे जब मैं माउस कर्सर पे क्लिक करता हूँ तो ये नॉर्मल ये माउस की तरह ओपन काम करेगा। देखो, अब मैं इसको प्ले करता हूँ, ये प्ले हो गया, पॉज करता हूँ, पॉज हो गया। ये समझ में आ गया आपको। लेकिन अगर इसी वीडियो में आपको इंक की तरह भी यूज करना है तो कैसे करोगे, यहाँ पे बस आपको पेन आइकन पे क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, वीडियो के ऊपर आप यूज करो। समझ में आ रहा है? तो आपको अगर इपिक पेन का ट्यूटोरियल आपको सही लगा देन दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे अमेजिंग ट्यूटोरियल्स पाने के लिए आपको कोई भी तरह का दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट जरूर करें, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @QNIRBOY। ठीक है।